मैं चाहूंगा अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। खासतौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2025 तक 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बजट में निर्मला सीतारमण ने योजना का विस्तार 2 करोड़ से 3 करोड़ करने के बारे में बताया है। अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker, sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakhpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakhpati Didi from 2 crores to 3 crores. आपको बता दें कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी योजना का जिक्र किया था। केंद्र सरकार की लखपति योजना वह है जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वह आगे अपना उद्योग धंधा और कामकाज कर सकें। इससे महिलाओं की माली हालत में सुधार भी लाया जा सका है। इसमें 2 करोड़ महिलाओं को लघु उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के हिसाब से उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आर्थिक रूप से वंचित बैकग्राउंड की महिलाओं को आगे लाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई यह योजना इस तरह से डिजाइन की गई है कि इससे न केवल उन्हें आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलती है, बल्कि उन्हें कई तरह का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत महिलाओं को बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और अन्य फाइनेंशियल विषयों पर भी जानकारी दी जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटा लोन भी मिल सकता है। पीएम मोदी ने कहा था कि उनका सपना है कि गांव में महिलाएं लखपति दीदी बने। हाल ही में पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। यहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात की। यहीं उन्होंने लखपति चंदा देवी से भी बात की, जिसके बाद केंद्र सरकार की इस योजना ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। समझा जा रहा है कि इस योजना का लक्ष्य बढ़ाकर केंद्र सरकार ग्रामीण महिला वोटर्स को साधने की कोशिश में है, ताकि बीजेपी की पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस योजना के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहले से ही प्रदेश के बीजेपी महिला मोर्चा ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।